हे एवरी वन, राधे राधे। वेलकम टू माई चैनल सलू कटारिया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं एक और व्लॉग को स्टार्ट। मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ, एक बजने वाला है। तो बस थोड़ा मैं ना काम के चक्कर में बिजी हो जाती हूँ, इसलिए थोड़ा लेट होता है आजकल मेरा व्लॉग स्टार्ट। तो जी बस काम सब हो चुका है, काम से फ्री हो गई हूँ मैं। एंड पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे सूट की ना फिटिंग अभी भी लूज हो रही है। आज मैंने पहना ये नई कुर्ती, ये देखिए ब्लू कलर की। तो जी बस काम सब हो चुका है एंड समीक्ष को लेने मम्मी चली गई है। मैं अभी ऊपर कपड़े सुखा कर आई हूँ एंड आज फास्ट तो मम्मी मेरा एंड जो मेरी छोटी नंद है हम तीनों का है। तो इसलिए अब तो रोटियाँ तो बननी नहीं है, दिन में खाना नहीं बनना लंच। तो समीक्षा आएगा, अगर वो कुछ खाएगा पराठा वगैरह ही खाता हो तो बना दूंगी, या फिर खिचड़ी वगैरह खाएगा तो बना दूंगी, देखते हैं। किसी किसी के ना आज तीज के बाद में जमे टूटने स्टार्ट होते हैं, तो किस किस के जमे टूटते हैं तीज के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है, हाँ बट मायके में ज़रूर होता है कि तीज के बाद स्टार्ट करते हैं तोड़ना। तो जी बस पहले भी तोड़ते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं उससे पहले नहीं तोड़ेंगे, तोड़ते हैं बट माना जाता है कि तीज के बाद से स्टार्ट करते हैं तोड़ने। तो जी बस यही है, हमारे तो टूटेंगे नहीं क्योंकि हमने तो पहले ही तोड़ लिए थे। आपने अगर मेरा पिछले व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि हमने जमे तो पहले ही तोड़ लिए। और दूसरी बात अभी देखो शायद शॉपिंग करने हम जा सकते हैं, कुछ पता भी नहीं अभी, अभी कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, बस ऐसा है कि जा सकते हैं, हम चले जाएंगे शायद वेंसडे तो चले जाएंगे शायद, तो देखते हैं जैसा भी होगा। आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग अच्छा होगा। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप बाद में आप भूल जाते हो तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करें, देखना ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं मेरे, जो जो देखते हैं उन्हें पता होगा। तो जी बस अभी तक तो यही है। मेरे को ना मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, बहुत कह सकते हो ना किसी को कपड़े पसंद होते हैं किसी को कुछ, मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। मेहंदी मेरी फेवरेट, मेरा मन करता पूरे हाथ भर भर के मेहंदी लगाऊं बट नहीं लगा पाती। और एक तो सबसे ज़्यादा जब से मेरी शादी हुई ना तब से तो बहुत कम मेहंदी लगती है, वरना शादी से पहले तो कोई त्यौहार हो कुछ भी हो शिवरात्रि कुछ भी हो सावन में मैं हमेशा मेहंदी लगाती थी, हमेशा का काम था मेरा, बहुत बहुत मेहंदी लगाती थी। और जब से शादी हुई ना तो जब से बच्चे हो गए फिर टाइम ही नहीं कुछ नहीं, फिर तो लगाया ही नहीं, फिर तो कोई कोई दिन ऐसा जाता है कि लगाते हैं बस। और जबकि मम्मी को भी पसंद है मुझे भी पसंद है मेहंदी, तो वैसा होता रह जाता है ऐसी। तो जी बस अभी तो मैं नीचे जाऊंगी, देखते हैं क्या कर रहा है, सोया नहीं अभी तक वो। और पसीने में देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, आज मेरा ना सिर में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। जब काम आज मेरा काम भी इसीलिए लेट हुआ है क्योंकि मैं जब ऊपर आई ना नीचे से उसको दूध पिला कर छोटे वाले बेटे को, तो आते ही मेरे को एकदम चक्कर आने लग गए। मैंने चाय भी पी ली, बनाना भी खा लिया था एक, बट फिर भी मेरे को चक्कर आने लग रहा है। और अब भी ना मेरी आँखें ये है ना ये भारी हो रही हैं, दुख रही हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा। तो जी बस अब तो गाइस देखिए मैं बैठ गई थी, अभी आई थी मैं ऊपर, अब मेरे पीछे पीछे साथ में ही आ गए, देखिए क्या कर रहा हूँ। मैंने सोचा था मैं भी रील्स बनाती, रील्स में बनाई थी यूट्यूब पे भी जो शॉर्ट वीडियो बनते हैं वो, एंड इंस्टाग्राम के लिए भी। अगर आपको अभी तक मेरे इंस्टा आईडी नहीं पता है तो नीचे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली रील्स डालती हूँ एंड यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो तो डालती हूँ। तो जी बस ये देखिए क्या कर रहा है नवाब, मारता भी ये दिखने में छोटा है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल है। टोटो टोटो इधर देखना, इधर देखो, ये देखो क्या है, देखो ये क्या है,
देखो इसके चाहिए पिन लग जाती है, अच्छे लगा। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, अब मैं बाहर जा रही हूँ या अकेला रहना यहाँ पे अभी से। अब यहाँ पे ना वो आएगी, क्या बोलते हैं उसे, वो एक आती है ना काली माता आएगी हंटर वाली, देखो वो बैठी वहाँ पे, देखो वो बैठी काली माता, हंटर वाली काली माता बैठी है। कहाँ बैठी है वो? बैठी नहीं दिख रही, पीछे बैठी है आपके, देखो वो बैठी सामने, वो रही ऊपर, खा जाएगी। अब मैं जा रही हूँ, अब टोटो को ले जाएगी वो, मैं जा रही हूँ। मैं जाऊं जाऊं मैं ओरी, काली माता ओरी हंटर वाली, वो पकड़ ले जाएगी हाथ। अभी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, काट दिया, कहाँ है, इधर देख के बताओ, देखो ओरी कहाँ है, कहाँ है हंटर वाली, कहाँ है, किसने डरा आपको ये बोल बोल के, भैया ने, जो इसका भाई है ना बड़े वाला समीक्ष, वो इसको पता नहीं, मैंने उसके मुंह से ही सुना था, वो इसको ही बोलता था बैठ जा नहीं तो काली माता आ जाएगी हंटर वाली। फिर मैंने उसको देखा ये डरता है ये बोलने से, ये ना हम इसको डराते थे ना आली आ जाएगी, जब भी नहीं डरता था हंसता था, जब से हमने बोला उसको, जैसे वो बोलता था ना हमने, मैंने सुन के जब उससे बोला ना वो रही काली माता हंटर वाली, बस डरने लग गया। फिर तो मुझे जब किसी जैसे बेड पे अगर गिरने वाला ना, मैं उसको तुरंत वो हो गई काली माता हंटर वाली, तुरंत पीछे आ जाता है, मतलब गिरता तो है नहीं उतर जाता, अब तो आराम से अपने आप बड़ा हो रहा है। एंड वो देख लो आप पीछे कपड़े हैं, ये मुझे फोल्ड करने हैं अभी, अलमीरा में लगाने हैं, एंड खाना भी बनाने की तैयारी करनी है। देखो क्या बनेगा, फिलहाल तो सबसे पहले पराठे डालूंगी, क्योंकि जो छोटे वाले बंदा है वो अपना फास्ट खोल लेंगे, मैं तो वही लास्ट में बोलती हूँ, मेरा मेरे से पहले खाया जाता, पता नहीं क्यों मन भी नहीं करता और खाया नहीं जाता, स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ मैं, शादी से पहले भी मैं ऐसे ही करती थी, जब सब खाना खा लेते ना लास्ट में खाती थी। मेरी मम्मी भी कहती थी, कहती पता नहीं इसकी क्या आदत है ये लास्ट में ही खाना खाएगी, मैं लास्ट में ही खाना खाती थी, मेरा मन भी नहीं मानता तो जी बस। हाँ जब कभी तबीयत खराब हो तब भी मेरा फिर जी नहीं करता खाना खाने, पता नहीं, आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपसे कोई बड़ा काम कर रहा है तो आपका कभी खाना खाने का जी करता है, मेरा नहीं करता, पता नहीं क्यों। मैं जब से इस घर में शादी करके आई ना, जब भी मम्मी काम करते हैं खाना वाना बनाते हैं, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरा मन नहीं करता, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं यहाँ पे लेटी हूँ और मम्मी काम कर रही है। वो तो खैर मजबूर रहती है, जब तबीयत खराब होती है तो मम्मी करती है, मम्मी कभी मना नहीं करती, बट फिर भी मेरे को पता नहीं अजीब सा लगता है, बल्कि मम्मी गुस्सा होती है कि जब ये तबीयत खराब होती है ना तो खाना छोड़ती है सबसे पहले, बट मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं करता, पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरा मन ही नहीं करता खाना खाने का, मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बनाऊंगी ना तो मैं खा लूँगी, और या फिर मेरे छोटे नन बना देते तो भी मैं खा लेती हूँ कभी कभार, नहीं तो फिर मेरा मन सा नहीं करता, पता नहीं क्यों मैं ऐसे, मुझे अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मतलब कि हाँ मम्मी खाना बना रही है और मैं आराम से बैठे खा लेती हूँ, इसलिए अजीब सा लगता है। तो जी बस इसे देखो अभी दिखा, ओरी काली माता हंटर वाली वोरी, वो बैठी कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है, कहाँ है, अच्छा बोलो, ए फोर एप्पल, बोलो एप्पल, बी फोर बॉल, लाओ, सी फोर कैट, D4, dog, डॉग, काउंटिंग सुनाओ, 1,
हाँ आगे सुनाओ, पहले काउंटिंग सुनाओ, वो काली माता जाएगी नहीं तो, काउंटिंग सुनाओ जल्दी जल्दी। हाँ आगे, टू थ्री फोर बोलो। तो जी बस इसकी मस्ती तो यहीं चलती रही है ना, ऐसे करता है जैसे हम ना जो मेरा बड़े वाला बेटा है उसको पढ़ाते हैं ना, तो बोल सब सुनाता है ना ए फॉर एप्पल, फिर पीछे पीछे बोलता है, देखो बोल रहा है, भी बोल रहा है अप्पा, बी फॉर बॉल तो बोलेगा बा, सी फॉर कैट तो का, डी फॉर डॉग तो डा, ये ऐसे ऐसे बोलता है। और जब उसका पढ़ने का टाइम आएगा ना, देखते हैं कितना पढ़ेगा, तभी पढ़ तब देखी जाएगी असली पढ़ाई, तो जब भी देखी जाएगी। तो जी बस यही चल रहा है, काउंटिंग काउंटिंग तो इतनी तेज तेज सुनाता है, ये अ अ ए ए करके सुनाता है, काउंटिंग सुनाना बेटा ऐसे नहीं, इतने आराम से नहीं बोल रहा है। देखो देखो आवाज, लोगों को ना आवाज नहीं आई क्योंकि ये बहुत आराम से बोल रहा है। सुनाओ बेटा काउंटिंग सुनाओ, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, आगे सुनाओ आगे सुनाओ। तो जी बस अब मैं इसको नीचे छोड़कर आती हूँ, मेरा बहुत काम फैला हुआ है और 6 भी बजने ही वाला है, मैं पूरे 6 हो रहा है, उनको सब्जी भी काट के बनाने के लिए, तो बस मैं अब इसको नीचे छोड़ के आऊँगी, इसकी तो ऐसी ही लगी रहेगी अभी, पता है अगर इसे अभी तो खेल में लग रहा है इसलिए आराम आराम से बोल रहा है, वरना ना ये ऐसे बोलता है बहुत तेज तेज चिल्लाता, मतलब कभी को मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, छोटा सा है बट तेज ही बहुत ज़्यादा है। चलो टोटो चलो नीचे, चलो आओ नीचे छोड़ के आऊंगी, आओ आओ बाय कर दो, बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो बोलो। ये ना मेरा जब अगर ट्राईपोर्ड में फोन लग रहा है ना तो फोन उठा के लग जाता है, ए ए ए बाय कर दो, पारी कर दो। मुझे भी कर दो पारी मम्मा को। तो चलिए जी मैं इसको छोड़ कर आती हूँ, खाना बनाऊंगा फिर लेट हो रहा। तो गाइस मैं मिल रही हूँ आपसे, अब खाना बन चुका है, सब खा भी चुके हैं, किचन भी मैं पूरी क्लीन कर चुकी हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए किचन पूरी क्लीन हो चुकी है, वो जो रोटी दिख रही है आपको ये गाय की रोटी निकाल दिया। तो जी बस हाँ जी, तो हस्बैंड गए अभी समीक्ष को लेकर बाल कटवाने के लिए सैलून में गए वो, तो अभी उन्हें टाइम लग जाएगा, मैं इतने चेंज वेंज कर लेती हूँ, छोटे वाला लड़का है वो भी नीचे ही अभी, वो भी कभी आता ही होगा, तो बस मैं इसलिए ब्लॉग का एंड करने के लिए रुकी थी, मतलब ब्लॉग का एंड तो घर ही देती हूँ, ब्लॉग चल रहा है मेरा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सालू कटारिया ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए, गुड नाइट।